एक काम सब मेरा है, वो तुम्हारा है काम है, वो मैं नहीं कर सकती। तो शाम को सबसे भारी बहुमत से जिता के कह लो ताकि आगे का सारा भविष्य बहुत जबरदस्त। अरे क्यों मैं हंस के बोली, उसने मैंने कहा जी आप मेरे हल्के में आए थे, आपने ये कहा था कि ये गढ़ जो है इसका किला तोड़ दो, याद था उसको? उसने कहा मैंने कहा था, जिसका पर हम दूसरी तरह से तोड़ लाए हैं, कहता फतेह करके लाए हैं। देखो कितनी बड़ी बात है कि उसको ये बात की बात याद है, समझ रहे हो ना? और तुम बिल्कुल चिंता ना करो, ये जो हैं अच्छे लोग हैं, कोई इनके अंदर वो जो है ना वो नहीं है, छल छल कपट वाली बात नहीं है, जो बात बोलते हैं वो करते हैं और जो मेरे को बात बोली है वो ये करेंगे। हमारी बेटी है और जैसे मैं काम करती हूँ उससे डबल मिलकर ये काम करती हूँ, और सब चिंता ना करना, आने वाला भविष्य तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सौगातें लेकर आएगा, ये मैं आपको वायदा कर देती हूँ। जो है वो जो है उसको जो है 7-8 महीने का करने जा रहे हैं, और 8 साल और साथ के साथ उसको शहीद का दर्जा भी मिलेगा। वैसे भी जो है वैसे भी जो सिपाही भर्ती होता था वो 10 साल से ऊपर नहीं, फिर उसको रिटायर कर देते, मेरा ये काम। तो ये काम भी हो गया भाई अपना, हो गया नहीं हो गया? राजी और निराजी हम तो खुश हो गया भाई, MSP भी मिल गई, किसान निधि भी आ रही है, ये बताओ किस किस के खाते में आई है निधि? नहीं आई, सबके आ रही है, भाई वो ये सुनन खातर तैयार है, और भाई हम इनको बताएंगे और जनता का हित जो है वो आगे रखेंगे, समझ रहे हो? सरपंचों का भी कर दिया, सरपंचों का भी 10 लाख रुपए कर दिया, हाँ डबल कर दिया जी, हमारे टाइम पे 10 लाख ही था, हमारे टाइम पे 10 लाख ही था। वो तो न्यारी बात ये थी कि मैं ज्यादा के मंत्री थी, सबने दे आती थी, समझ गए ना? और फिर रजिस्ट्री जो है वो खोल दी। काम तो सारे के सारे जिसको जो जिसपे हम बोला करते थे, विरोध करते थे, वो सारा विरोध इन्होंने खत्म कर दिया, घटिया नहीं घटिया। और भाई मेरे ख्याल उस दिन जिस दिन ज्वाइनिंग हुई दोनों मुख्यमंत्री साथ में इतने मान सम्मान के साथ लेकर आए, उसके बाद अमित शाह जी से मिलवाया, प्रधानमंत्री जी से मिलने जाऊंगी मैं, यहाँ पे मैंने सोचा पहले आ जाऊँ, और जो इनका जो शीर्ष नेतृत्व है अब उसके अंदर जो है प्रधान जी जो है वहाँ पर आ रहे हैं, जो इनके पूरे प्रभारी हैं पूरे हरियाणा के, वो 23 तारीख को आ रहे हैं, उसमें मेरे को और श्रुति को दोनों को सम्मिलित करा गया। तो जब इतना मान सम्मान प्यार दिया जा रहा है तो भाई हमने इनकी डट के काम करना है, नहीं करना है, हम आपके साथ हैं जी। तो भाई दीप के राहुल पिछली बार तो मुश्किल हो रही थी जो पलटने में, सारा ऐसा कर दिया कि सारे सबने ये सारा सोना नहीं करना, बहुत बढ़िया पार्टी है भाई, ठीक है। मैंने तो इनका दफ्तर देखा, इनका दफ्तर है आगे की जो है 100 साल की सोच आगे की, हमारी तो पार्टी आप हो जी, और काम करने वाले लोग हैं, और भाई जहाँ ऐसे लोग हैं कि जो काम करेगा उसको आगे बढ़ाते हैं, काटते नहीं है, ये है कहानी सबसे बड़ी, ये खूबी है इस पर। हम तो काम करने वाले लोग हैं,
अब हम काम करें और हमें नीचे नीचे हमारे ही पांव काटे जाओ तो भाई क्यों कर काम चलेगा बताओ भाई कौन चले ना। तो इसलिए मैं जो बात कह रही हूँ आप समझ जाओ बहुत विधिवत ये प्रभु के ऊपर का इशारा था नहीं तो ये होने वाली बात नहीं थी। और इतने मान सम्मान के साथ लेकर आए हैं ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं आज लेकिन हम सारे खुद हो गए और सारा जी राजी हो जाएगा। चौधरी बंसीलाल जी के साथ अभिपा का मेले कांग्रेस में करा था और भाई 67 सीट लेके आए थे हम हरियाणा में 67 सीट थारे कारण आई थी हमने इतनी मेहनत करी थी सबने पूरे हरियाणा के जो हमारे यहाँ अभिपा के लोग हैं तो इस बार भाई 70 लाख देंगे हम ठीक है समझ गए पूरी तरह से तैयार हो अब एक दिन ये करेंगे। मेरे को मनोहर लाल जी जो है खट्टर साहब ने कहा था कि सारे कार्यकर्ताओं को अब दिल्ली ले आना या चंडीगढ़ ले आना जहाँ भी हैं उनको मैं सबको खाना दूंगा तो तुम्हारे को जिमाऊंगे भी भाई तो मैं डेट ले लूँगी सारे के सारे चालियो भाई। मैंने उनको कहा था मैंने कहा जी देखो मैं ये तो बनाऊंगी नहीं कि कौन आएगा और कौन जाएगा मेरे तो जब आओगे तो सारे आओगे जिसने आना है वो सारे के सारे जो है मैं डेट दूंगी तुम्हारे को चंडीगढ़ में या दिल्ली में ठीक है ना ताकि खाना तुम्हारे को मंत्री जी के घर पे करवाएंगे और अगर सारे ये काम करेंगे तो वो जो है जब भी डेट देंगे क्योंकि अभी व्यवस्था जो है देखो वो शाम अपना निजी हल्का है ठीक है ना ये घर से चौधरी बंसीलाल जी ने सारा काम करा है तो जो बंसीलाल जी ने करा वो रीति तुम क्यों बदलना चाहते हो बताओ सही बात है सारे लोग यहाँ आते हैं हमने तो शाम के अंदर अगर कहीं एक जगह छोड़ना जाके बैठना है गांव गांव जाना है हमने तो और पूरा श्रुति और मैंने इधर ही रहना है तुम्हारे को इधर आने की जरूरत को नहीं हम गाँव में आऊंगे भाई एक जगह रख ली तो फिर भाई फिर गाँव में क्यों जाओगे गाँव में नहीं जा पाएंगे समझ रहे हो ना। और ये कोठी पर सारे लोग आते हैं उधर महेंद्रगढ़ से आएंगे सार से आएंगे इधर से आएंगे सारे हरियाणा के सारे हरियाणा के आए तो मैंने चौधरी बंसीलाल जी से एक बार पूछा था जब वो तो शाम के वो थे कहते भाई भिवानी जो है ये दिल की धड़कन है इस इलाके की है या नहीं है पुराना लगाव जरूरी है यहाँ पे यहाँ से सारा सिस्टम मैं जमाता हूँ वही सिस्टम जो है पिछले 10 साल से मैंने भी जमा के रखा है भाई समझ रहे हो वो तुमने कोई मन में बैठा तुम चौधरी बिना को नहीं रहो इसलिए थारा ये काम करना जरूरी था। तब जो है भाई राम राम अब तुम संभालो राम राम ही तुम संभालो राम राम ही तुम यही करेंगे ठीक है सारे मन की बात और सारा पेटा पूरा भर दूंगी भाई मैं अर्शिद तो भाई ये बात है इसलिए जो पर्ची वर्ची सब लेके आए हो मतलब मेरा सारे पर्ची रुकी पड़ी है दो ही दिन होया भाई जगह हो कौन ले गया जी सारे दबाए और तुम जानते हो हाथ में जैसे ही सिलसिला सारा आता है